डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वन और ऑटो के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे वैसे बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी हमारा फंक्शन जो दिया है वो आर स्टार से आर स्टार में जा रहा है। आर स्टार का मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो हम इसे देखेंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन्टो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, ऑन वन की, फंक्शन वन वन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वन वन हमने प्रूफ करने के लिए दो मेथड बताए थे कि इसमें क्या होगा। जैसे कोई भी हम फंक्शन एफ एक्स वन मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है, तो हमें एक्स वन एक्स टू भी इक्वल लाने होते हैं। जैसे हमारे जो दोनों एलिमेंट होंगे एक्स वन और एक्स टू होंगे, वो कहाँ से होंगे, डोमेन से ही होंगे। कहाँ से होंगे, दोनों डोमेन से होंगे। अब हम 1 अपॉन एक्स है, एक्स वन एक्स टू कहाँ से मान लेते हैं, आर स्टार से मान लेते हैं। तो हम ये 1 अपॉन एक्स वन, 1 अपॉन एक्स टू, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज अ वन वन फंक्शन। इसको एक बार हम फिगर से भी देख लेते हैं कैसे होता है। फिगर से हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो ये ए होता है और सेकंड जो हमारा बी होता है, यानी इसको ए को आर स्टार से प्रेजेंट किया गया है, जो बी है इसको भी आर स्टार से प्रेजेंट किया गया है, और ये हमारा फंक्शन है। अब कह रहा है कि जो आर स्टार है वो भी क्या है, हमारी डोमेन है। सबसे पहले आर स्टार ये है, ये डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे उनके कोडोमेन में उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें कोई भी वैल्यू रियल नंबर से हम उठाएंगे, कोई भी रियल नंबर से वैल्यू अगर यहाँ से ले रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे हमने 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, माइनस 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया माइनस 3 लिया, तो ये 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। 1 अपॉन जब माइनस 3 हो जाएगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, इसकी भी एक हो जाएगी, यानी इस एलिमेंट्स की एक इमेज हो जाएगी। अदर कोई नंबर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 1/2 भी रियल नंबर में आता है। तो इससे कह सकते हैं कि हेंस जो हमारा फंक्शन होगा, हेंस एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 फंक्शन। अब इसका 1 1 तो हमने दिखा दिया, अब हमें क्या दिखाना है, ऑन्टो दिखाना है। ऑन्टो दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, उसके भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ऑन्टो दिखाने में हम करेंगे क्या, ऑन्टो के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया होगा उसे y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, 1 अपॉन y। और इसका हमने क्या बताया था कि प्रोसेस कैसे इसको कहेंगे, जब इसकी डोमेन इक्वल रेंज आ जाएगी तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। या भी जितने भी हमारे डोमेन में एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन में एलिमेंट्स होंगे, उस कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। तो कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, जैसे हम फिगर से भी दिखा देते हैं। फिगर से क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार, यानी आर से आर में लिया जा रहा है। तो हम वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर से लेंगे, कोई भी रियल नंबर से लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 लेंगे तो 1 अपॉन 1 आएगा, 3 लेंगे तो 3 वैल्यू लेने पे वाई की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो एक्स की 1 अपॉन 3 आ जाएगी, 5 लेंगे तो 1 अपॉन 5 आ जाएगी। अब ये सबकी एक एक क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है। तो इसमें क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट्स की कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, उनके पास सबकी एक प्री इमेज होगी। और लास्ट में ये भी लिख देंगे कि कोडोमेन इक्वल किसके हो जाएगा, रेंज के हो जाएगा। जब कोडोमेन इक्वल रेंज के हो जाएगा तो हमारा ये क्या प्रूफ होके आ जाएगा, ऑन्टो फंक्शन। क्या लिख देंगे, हैंस
फंक्शन इज ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में और भी कह रहा था कि यदि इसकी डोमेन को रिप्लेस करके हम आर स्टार से एन कर दें, एन का मतलब नेचुरल नंबर कर दें, तो क्या हो जाएगा। इसे हम देखते हैं कि अगर इसकी डोमेन को हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट ही क्वेश्चन में कहा है कि उसकी डोमेन को आर से रिप्लेस कर दे रहे हैं हम। अब रिप्लेस करने पे हम देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले वही हमारा कॉन्सेप्ट fx1 इज इक्वल टू fx2 आना चाहिए। fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लेते हैं, फिर हमें प्रूव करके लाना होगा x1 इज इक्वल टू x2। x1 इक्वल क्या आ जाएगा, x2। अब इसमें हम फिगर से देखते हैं कि जितने भी हम, जैसे इसमें डोमेन क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 5 से लगा के इन्फिनाइट तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी हमारे रियल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो सबकी एक यूनिक इमेज हो जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं, जैसे हम 1 ले रहे हैं तो इसमें 1 लेने पे क्या आ जाएगा, इसमें 1 लेंगे तो 1/x 1 ही आ जाएगा। फिर हम 3 लेंगे तो 1/3, 1/3 किस में है, रियल नंबर में है हमारा। तो ये क्या कह रहा है, दोनों के लिए कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, हेंस फंक्शन इज 1 1। ये हमारा 1 1 प्रूव होके आ गया। अब हमें प्रूव करना है ऑन्टो। ऑन्टो प्रूव करने के लिए हम क्या देखेंगे, सेम क्या लॉजिक हमारा होता है, जो हमारा फंक्शन होता है fx, उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू y लेट कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू y लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया क्या, fx इज इक्वल टू y, fx की जगह पे y वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब हमें इसे किस टर्म में निकालना है, x इज इक्वल टू 1/y के टर्म निकालना है। अब हम देख लेंगे कि इसमें क्या होगा, कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, अब y हमारा क्या है, y हमारा y का पार्ट किससे लिया जाएगा, कोडोमेन से लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कि इमेज होगी, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी नेचुरल नंबर में कि नहीं करेगी। अब हम जैसे रियल नंबर से बात कर लेते हैं, रियल नंबर से भी कोई नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं y की वैल्यू, जैसे हम 1 ले रहे हैं तो 1 तो एग्जिस्ट कर जाएगा। हम -1 अगर y की वैल्यू ले लें तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे, वही डिफिनेशन, एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। सबकी यहाँ से डोमेन में इसकी इमेज नहीं बनेगी, प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि -1 तो हमारा रियल नंबर में है। लेकिन इस चीज को हटा देते हैं, कन्फ्यूज कर रही है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा होगा इसमें, जो भी हम रियल नंबर में लेंगे, जैसे -1 लेंगे तो -1 क्या हमारा नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए इसकी इमेज नहीं बन पाएगी, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन्टो नहीं होगा। लिख देंगे एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। और ये भी लिख देंगे कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन के इक्वल रेंज नहीं है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए स्टॉप करिए।